हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी चाई चैनल। और पॉलिटी के तैयारी की दिशा में ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम देखेंगे नागरिकता, मूल अधिकार और राजकीय नीति निदेशक के तत्व से संबंधित प्रश्न। नागरिकता तो आप जानते ही हैं और राजकीय नीति निदेशक तत्व को DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसके अंतर्गत देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। और निश्चित रूप से अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं दिमाग में या एग्जाम में, वो आपके दूर हो जाएंगे। आइए ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन से नोट्स कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम नागरिकता। नागरिकता जो है वो भाग 2 के अंतर्गत हमारे संविधान में दी हुई है। तो नागरिकता में टोटल 5 से 11 के बीच में आर्टिकल्स आते हैं, अनुच्छेद आते हैं। तो सबसे पहले जो है संविधान के प्रारंभ पर हमारी नागरिकता, जो संविधान के प्रारंभ पे जो नागरिकता थी वो हमारी अगर देखी जाए तो 3 प्रकार से थी। जैसे या तो हमने जन्म लिया हो, या तो उस समय जिसने जन्म लिया था, ठीक है, बर्थ लिया था जिसने, या फिर उसके माता पिता उस समय यहाँ भारत के निवासी थे, ठीक है, मदर एंड फादर कोई भी, या फिर वो जो व्यक्ति है वो 5 वर्ष तक, ठीक है, भारत की जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व तक भारत में रह रहा हो। ये 3 कंडीशन जिसके पास में कोई एक भी थी तो भारत का नागरिक था। और भारत का जो नागरिक था वो भारतीय शासन अधिनियम जो था 1935, आप सब जानते होंगे, इसी के आधार पे ही हमारी सब कुछ काम हुए थे। संविधान लागू होने तक हमारा इसी कानून के अनुसार देश की जो कानून था, व्यवस्था थी, लाइन एंड ऑर्डर था, वो इसी प्रकार चलाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है वो ये है कि अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता। पाकिस्तान से कुछ लोग थे जो भारत आए थे, ठीक है, आज़ादी के समय, लेकिन उन्हीं लोगों को भारत की नागरिकता मिली थी जो 19 जुलाई, इसको आप नोट कर लीजिएगा दिमाग में, ठीक है, और हो सकते कॉपी भी कर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। 19 जुलाई 1948, इससे पहले जो भी लोग आए थे उनको भारत की नागरिकता स्वतः मिल गई थी, अपने आप मिल गई थी। और जो इसके बाद आए थे, ठीक है, मतलब कहने का सेंस ये है, उनको जो नियुक्त नागरिक अधिकारी थे उनके समक्ष पंजीकरण के लिए आवेदन देना था, उसके पश्चात उनको नागरिकता मिली थी। इससे पहले जो आए थे उनको अपने आप मिल गई थी, और जो इसके बाद आए थे इस डेट के बाद उनको आवेदन करना पड़ा था, उसके बाद उनको नागरिकता मिली थी, ठीक है। तो मैं कुछ आर्टिकल्स आपको बता भी दे रहा हूँ और उनके बारे में समझा भी दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 7 जो आर्टिकल है उसमें है, जो पाकिस्तान को चले गए थे जब भारत आज़ाद और पाकिस्तान अलग हुए थे तो बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए थे, तो जो 1 मार्च, इस ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम पूछ ली जाती है कभी कभी, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे, उनकी नागरिकता अपने आप भारत की ख़त्म हो गई थी, मतलब वो भारत के नागरिक नहीं थे, पाकिस्तान के हो गए। लेकिन एक और कंडीशन है, 19 जुलाई 1948, फिर से वही डेट है, 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आ गए थे फिर उन्होंने आवेदन किया था तो वो भारत के नागरिक बन गए थे, ठीक है, ये 2 कंडीशन याद रखिएगा। और जो 8 नंबर है, आर्टिकल 8, तो उसके बारे में देखते हैं, उसमें क्या है, भारत के बाहर रहने वाले कुछ भारतीय मूल, जैसे कुछ लोग थे जो बाहर रहते थे क्योंकि जो गुलामी के समय, उस समय बाहर लोग गए थे काम करने के लिए, तो उनके लिए कैसी नागरिकता थी, या तो उनके माता पिता भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत के नागरिक थे, या उनके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, कोई भी भारत का नागरिक था, तो उस समय उनको नागरिकता मिलने के लिए आवेदन करना पड़ता था और आवेदन करने पर उनको नागरिकता मिल सकती थी। दूसरी बात, ये तो रही बात नागरिकता की कि कैसे उनको नहीं मिली थी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि उनको जैसे नागरिकता छोड़नी हो तो कैसे नौकरी, कैसे त्याग होगी, जैसे अगर आपने किसी दूसरे देश की, जैसे आप भारत के हैं और किसी अन्य देश की, ब्रिटेन की नागरिकता ले लेते हैं, तो भारत की नागरिकता अपने आप चली जाएगी क्योंकि यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, ये देखिए, और आर्टिकल 9 के तहत वो होता है। और आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकारों का बनाए रहना, मतलब नागरिक के अधिकार बने रहेंगे जब तक कानूनी रूप से उसको नागरिकता छीन ला ली है, और ये कानून संसद ही बना सकता है, इसके अलावा नागरिकता नहीं छीनी जा सकती, ठीक है। और छीनने के भी कई तरीके हैं, जैसे कि आर्टिकल आप देख रहे हैं इसमें लिखा, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार की विधि का, संसद ही इस पर कानून बनाती है। हाल ही में अभी नागरिकता पर कानून आया था, संशोधन आया था 2016 में, ठीक है, मोदी सरकार द्वारा, उसमें क्या बात कही गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, पाकिस्तान, ठीक है, और अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनमें से
इन तीन राज्य देशों से अगर कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, मुस्लिम और ईसाई, सॉरी ईसाई मतलब क्रिश्चियन और पारसी, ये छह कम्युनिटी में से कोई भी अगर भारत आता है तो उसको नागरिकता प्रदान करने के लिए प्रावधान इस बिल में, संशोधन बिल में किया गया था। ठीक है, आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होगी, आपके बहुत काम की होगी। ठीक है, और नागरिकता जो छीनने का अधिकार है, जो छीना जा सकता है, उसके लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा नागरिकता किस प्रकार जा सकती है वो भी आप देख लीजिए, जैसे किसी अन्य देश की आपने नागरिकता ले ली, ठीक है, और दूसरी बात कि आपका संविधान के प्रति अनादर हो, अनिष्ठा हो, तो सुप्रीम कोर्ट आपसे छीन सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और जो तीसरी चीज़ है उसमें क्या होता है, आप अपने आप नागरिकता वापस कर दें कि हमें नागरिकता नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं इसकी। इसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इन पे, वो ये है कि भारतीय संविधान प्रदान करता एकल नागरिकता, जैसे अभी हमने बात की थी, मैंने हाईलाइट कर दिए जो इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिएगा। हाँ, नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है, तो नागरिकता प्राप्ति के पांच तरीके हैं जिनमें से तीन यहाँ लिखे हुए हैं। एक तो जन्म द्वारा, आपने यहाँ जन्म लिया हो, देशीकरण द्वारा, ठीक है, और कोई पार्ट आपके में अधिग्रहित कर लिया होगा, जैसे सिक्किम बाद में अधिग्रहित किया या दीमन दीव किया गया, गोवा किया गया वैसे। और चौथा जो है कि आपने पंजीकृत, समझे, आवेदन किया हो, ठीक है, इसके द्वारा किया जा सकता है। और इसके बाद आपको वंश के आधार पर भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये पांच कंडीशन है, ये फुलफिल में से कोई एक भी है तो आपको नागरिकता भारत की दी जा सकती है। ठीक है, ये तो हो गया। ये उसके बाद जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 है, जो कि 2016 में आया था, ठीक है, उसके अंदर क्या कहा था कि जिसमें मैंने भी बताई थी कि उनमें मौका दिया गया है कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को कैसे पंजीकृत होने के लिए कौन कौन योग्यता रखता है, कौन एलिजिबिलिटी रखता है। एक आवश्यकता जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हो, या कोई भारतीय है जैसे विदेश में शादी कर लेता किसी लड़की से, तो वो, या फिर दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, पितामा पितामी, या आप देख लीजिएगा, ये लोग हो सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है कि कुछ राज्य बाद में जो ऐड किए गए थे भारत में, जैसे नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, उनके लिए एक अलग से आर्टिकल बनाया गया संविधान में, 371A से लेकर 371I तक। तो इनको आप देख लीजिएगा, ये क्रम पूछ लेते हैं अक्सर। ठीक है, तो आपको देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने ध्यान दिला दिया है, आप देख लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको रट जाएगा। हाँ, मैंने कल भी आपको बताया था कि दोहरी नागरिकता यो USA में होती है, भारत में एकल है, वहाँ पर केंद्र की और राज्य की अलग अलग नागरिकता होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने भी बताया था, संसद ही कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को मैंने समझाने के लिए आपके लिए सबसे पहले बताया कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव से नहीं फंडामेंटल होते हैं, वो किसी व्यक्ति के जीवन को, मतलब गरिमापूर्ण जीवन, डिग्निटीफाइड लाइफ होने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। उनके बिना आदमी का सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से उत्थान हो ही नहीं सकता, उन्नति उसकी हो ही नहीं सकती, प्रोग्रेस उसकी हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसलिए ये फंडामेंटल हैं और इनको मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स कहते हैं। ठीक है, और ये उनसे प्रेरित भी हैं। तो उसके बाद आर्टिकल 12 और 13, आर्टिकल 12 जब स्टार्ट होता मौलिक अधिकार तो वो 12 से लेकर 35 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो 12 में क्या क्या कहा गया है, 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा मतलब कि राज्य क्या है, जैसे कि हम राज्य, मैंने कल बताया था आपको कि राज्य की कंडीशन कुछ और होती है, लेकिन जो इस सेंस में मौलिक अधिकार जिसको राज्य मानता है उसमें 12 क्या होता है, उसमें जैसे कोई भी, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या फिर इससे संबंधित कोई भी, यहाँ तक कि मैं अगर साधारण भाषा में करूँ तो अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या कोई ऐसी NGO है, संस्था है जो सरकार को रिप्रेजेंट करती है, तो आप एक राज्य कहे जाएंगे और आपके विरुद्ध नागरिक को अधिकार मिलेंगे। इसीलिए RTI एक्ट आया था, याद होगा आपको RTI एक्ट। आप किसी NGO से भी सूचना मांग सकते हैं, किसी बैंक से भी मांग सकते हैं, और किसी PSU से भी मांग सकते हैं, और सरकारी से तो मांग ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 12। 13 क्या होता है, आर्टिकल 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 13 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट को जो जुडिशियल रिव्यू की पावर मिली है वो आर्टिकल 13 से मिली है। इसको लेके बहुत विवाद हुआ है पूर्व में, इंदिरा गांधी सरकार और सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी जो थी वो DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करना चाहती थी मौलिक अधिकारों के ऊपर। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों के ऊपर, मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों के ऊपर करना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया, संशोधन किया, तो उसको खारिज कर दिया।
जो आर्टिकल 13(2) है और 4 है, ठीक है, इसके तहत हुई थी और इसके तहत पुनरावलोकन होता है। तो बाद में चौथा जो 13(4) जो था, 13(4) उसके अंतर्गत क्या हुआ था, मैं लिख दे रहा हूँ आपको। इसके अंतर्गत 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। उसके तहत क्या हुआ कि अगर कोई संविधान संशोधन होता है 368 के तहत, ठीक है, तो जो विधि होती, विधि विधि इसके अंतर्गत जो विधि है, ये विधियों को परिभाषित करता है। अगर कोई भी विधि, ऐसी कोई विधि संविधान से पहले हो या संविधान के बाद हो, कोई भी विधि, नियम, कानून, कुछ भी हो, अगर मौलिक अधिकारों को सीमित करता है तो वो शून्य हो जाएगा, मतलब वो जीरो उसकी हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा कानून। लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 368 के तहत उन्होंने संशोधन किया इंदिरा गांधी ने, तो इसके तहत उन्होंने कहा ये विधि मौलिक अधिकारों को सीमित कर रही है, तो ये संशोधन गलत है, जीरो हो है। तो क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने ये संशोधन लेके आई, 24वां संशोधन 1971, इसमें 13(4) जोड़ा। उसमें उन्होंने क्या कहा, 368 जो है वो संविधान संशोधन है, कोई विधि नहीं है, ये प्रक्रिया नहीं है, ये संविधान ने एक शक्ति दी है, ये कोई विधि नहीं है, ठीक है। तो इसके तहत अगर कोई भी संशोधन होता है तो मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, हाँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो है, प्रिंसिपल है, वो कभी भी नहीं टच किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है आर्टिकल 14 से 18, आप टुकड़ों में याद करेंगे तो आपको मौलिक अधिकार ज़्यादा अच्छे से याद होंगे। आर्टिकल 14 से 18, ठीक है, समता का अधिकार, इसके अंदर विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के जो समक्ष समता है वो इंग्लैंड से आई है और विधियों के समान संरक्षण वो आई है अमेरिका से, यूएसए से, ठीक है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे 361 के तहत, आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, उसके अलावा 105 और 194 के तहत हमारे माननीय जी सांसद और विधायक लोग, और उसके अलावा जो राजनयिक होते हैं उनको मिलता है, जैसे विदेशी राजदूत वगैरह होते हैं उनको मिलता है, और प्रेस को मिलता है 361 का के तहत, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अपवाद भी हैं, ठीक है। और जो 15वां है, जहाँ से आरक्षण निकल के आया है, धर्म, कोई भी अगर राज्य कोई भी काम करता है तो केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। जन्मस्थान से आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, क्योंकि कोई जैसे यूपी का है, एमपी में फॉर्म भरता है, तो उसको वो जो मिलता है कोटा, जैसे कोई गर्ल है या कोई SC ST है, तो उसको जनरल में काउंट किया जाता है। तो ऐसा क्यों है, जन्मस्थान, हाँ, क्या इसमें होता है, निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है, लेकिन जन्मस्थान के आधार पर नहीं किया सकता। मतलब कोई यूपी का व्यक्ति यूपी में जन्म लेता है, अगर एमपी में जाके रहने लगता है, वहाँ का निवास पड़ता उसका बन जाता है, तो उसको वही पावर मिलेंगी, वही सुविधाएं मिलेंगी जो एमपी के नागरिक को मिलती हैं, ठीक है। नागरिक में अंतर होता है और निवासी में अंतर होता है, नागरिक कोई भी हो सकता है, निवासी कोई भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं ना, जैसे जैसे कोई निवासी है, ठीक है, लेकिन भारत का नागरिक नहीं, जैसे विदेशी यहाँ पे आया, अमेरिकन यहाँ रहने लगा, तो वो निवासी हो गया, लेकिन नागरिक तो अमेरिका का है, भारत का तो है नहीं। तो क्या होता है, जब आपने राष्ट्रपति पढ़ा होगा तो उसमें लिखा रहता है वो भारत का नागरिक हो, मतलब भले उसने भारत में जन्म ना लिया हो, लेकिन अगर भारत की नागरिकता उसने ले ली तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वो अब राष्ट्रपति बनने लायक है, ठीक है। ये चीज़ आपको शायद ना पता हो, मैंने इसलिए क्लियर कर दी है आपकी। और आर्टिकल जो 15(5) के तहत जो आरक्षण है वो इसके तहत आया है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, अभी आगे भी देख लेंगे। और जो शैक्षिक संस्थाओं में है वो आर्टिकल 15(4) के तहत आया है। उसके बाद 16 है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब यहाँ पर भी ये तो संबंधित है सुविधाओं से, ये है नौकरियों के संबंधित, इसमें धर्म, जाति, मूल लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। और ये अनटचेबिलिटी से संबंधित है, संसद को शक्ति है कि इस पर कानून बना सकता है, जो कि बनाया भी गया है। ये उपाधियों का अंत है, मतलब कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है, ठीक है, हाँ जो सेना है या फिर क्योंकि शिक्षा संबंधित है वो उपाधि ली जा सकती है। जैसे कोई भारत का नागरिक है, विदेश से अगर कोई नागरिक उपाधि लेता है तो राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंस की अनुमति के बाद ही लेगा, वरना नहीं लेगा। कोई भी राय बहादुर नाइटहुड की उपाधि नहीं ले सकता है, ठीक है, ये उपाधियों का निषेध किया गया आर्टिकल 18 के अंतर्गत। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आता है, ये 19 से 22 के बीच में आता है, ये हमारी प्रेस की अभिव्यक्ति, हमारी बोलने की, समझने की। जैसे 19 के अंदर कुछ आते हैं, 6 राइट्स आते हैं, 19(1) के तहत आता है जो विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा 19(2) जो है शांतिपूर्ण सहित जो सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, जिससे लोग आजकल धरना प्रदर्शन करते हैं शांतिपूर्ण, वो यहाँ शक्ति मिलती है। तीसरा है सहकारी समिति, कोई बना सकता है, कोऑपरेटिव बना सकता है कुछ भी। और जो 19(1)(d) है, जो
जो कि चौथा के अंदर आता है, उसमें कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता और 19(1)(e) के तहत कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, और 19(1) जो लास्ट में 6 नंबर पे जो आता है उसमें कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। लेकिन इसमें कुछ निषेध भी है जो कि 19(2) के तहत किए गए, वो आपके काम के नहीं है, यही है जो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आर्टिकल 20(b) के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण, इसमें क्या है, इसमें तीन है, इसमें भी तीन आर्टिकल हैं, 20(1)(2) और 20(3), ठीक है, तीन है। तो 1 के तहत जो आता है उसमें किसी भी व्यक्ति को अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसी को उस अपराध को के लिए उसको तभी सजा दे सकती है जो कि उस समय कानून होगा। मतलब जैसे आज कानून बना तो आज उसने अपराध किया तो उसको इसके हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। अगर इसने अपराध कल किया था और कानून आज बना तो उसको कल आज के हिसाब से कल का कानून के मतलब ना उसको सजा नहीं दी जाएगी। समझ रहे ना आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे आपने 1 मार्च को कोई अपराध किया लेकिन उस समय कोई कानून ही नहीं था, ठीक है, और कानून बनता है 15 मार्च को, तो आपको सजा नहीं दी जाएगी इसके हिसाब से, ठीक है, अब अच्छे समझ गए होंगे आप। 20(2) जो कहता है हमारा, किसी कोई व्यक्ति है कि एक ही बार के एक ही अपराध के लिए उसे 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट से, हाँ प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है, वो सजा के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। और 20(3) जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति है अगर कोई अपराध करता है तो उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया सकता है, ठीक है, जो पुलिस मारती पीटती है वो गलत होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिग्निफाइड लाइफ, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उपयोग किया गया है, इसी के अंदर इच्छा मृत्यु आती है, ठीक है, और इसी के अंदर सोने का अधिकार और स्वच्छता का अधिकार इसी के अंदर सारे आते हैं, ठीक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद जो 22 है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण, मतलब क्या है इसका, जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको उसकी गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे और उसे वकील करने के लिए उसे उचित मौका दिया जाएगा। और जो 22(2) के तहत जो आता है उसमें क्या है कि कोई व्यक्ति जैसे अपराध करता है, पकड़ा गया है पुलिस द्वारा, तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ठीक है, अगर नहीं करता है वो तो ये गलत होगा, उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ठीक है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24, मानव के दुर्व्यवहार और जितने ही बालाश्रम का निषेध इसके तहत किया गया है, कारखानों आदि बालकों के नियोजन पर इसमें क्या है, बालश्रम इसी से संबंधित है, इसके तहत ही कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है और प्रचार कर सकता है, यहीं से निकल के आया है धर्म परिवर्तन, ठीक है। इसी के तहत इस पर लड़ाई चलती है सुप्रीम कोर्ट में कि कुछ लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन बैन कर दो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारा ये मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध, इसके तहत ही जुलूस और जलसे और निकाले जाते हैं, ठीक है। 27 के तहत कोई जैसे राज्य कोई धर्म है उसके लिए जो टैक्स कलेक्शन करता है, टैक्स कलेक्शन से उस किसी धर्म की वृद्धि के लिए कोई भी काम नहीं करेगा, वो इससे प्रतिबंधित होती है। आर्टिकल 28, कुछ शिक्षा संस्थाओं में मतलब जैसे जो राज्य द्वारा जो फंडेड जितने भी कॉलेज होते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी होती हैं, उसमें कोई भी धार्मिक ज्ञान या धार्मिक जो होती है उपासना संबंधित कोई भी उसको अलग से शिक्षा नहीं दी जाएगी और उसमें बाध्य भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो 29 और 30 देखते हैं, जो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, अल्पसंख्यक होते हैं कौन से, धार्मिक हो गए, भाषाई हो गए, सांस्कृतिक आधार पर लिपि आदि का अपना संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी शिक्षा संस्थाएँ भी स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद इसका हो गया, खा हो गया, गा हो गया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ये इम्पोर्टेंट है जो ये जोड़ा गया था 24वें संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी द्वारा, वो इसके तहत था जिसने 13(4) के तहत जोड़ा था, ठीक है। तो उसके बाद ये है आर्टिकल, इसको B.R. अम्बेडकर ने 32 को कहा था, ये ही संविधान की आत्मा है, ठीक है। लोगों ने कहा था प्रस्तावना को, लेकिन B.R. अम्बेडकर ने इसको कहा था क्योंकि यही आदमी को मौलिक अधिकार बनाता है, सुप्रीम कोर्ट को इस लायक बनाता है कि वो अधिकार प्रदान करने में सक्षम हो सके, ठीक है, अधिकारों का बचाव कर सके, संरक्षक यहीं से बन के आया है, ठीक है। ये तो हो गया 33वां, सशस्त्र बलों पर कुछ नियंत्रण है। 34 में सेना विधि प्रवृत्त होती, मार्शल लॉ होता है इसके तहत, और ये इसको प्रभावी करने के लिए है। उसके बाद देखते हैं डीपीएसपी में क्या है, 36 परिभाषा, राज्य की परिभाषा, वही परिभाषा जो आर्टिकल 12 के तहत थी। 37 में लागू होना, 38 के अंदर दो आते हैं, तो पहला तो ये आता है कि
राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय की व्यवस्था करेगा। दूसरा क्या आता है 38(2) के तहत, ये दोनों खोल के मैं बता दे रहा हूँ अच्छे से ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आय हो गई, सुविधा हो गई और अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा, कौन? राज्य। और 39 जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 38 और 39 इसको अच्छे से पढ़िएगा। 38 के अंदर 1 और 2 आते हैं और 39 के अंदर 6 आते हैं टोटल, ठीक है। राज्य द्वारा कौन से अनुसरण तत्व हैं? सबसे पहले स्त्री हो गए, पुरुष हो गए, उनके लिए आय की सुविधाओं के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि वो सृजन कर सके स्वयं भी। और 39 जो 2 है, मैं एक एक लिख दे रहा हूँ आपको, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6, ठीक है। 39(2) हो गया, 39(1) कर चुके हैं, 39(2) कि जैसे कोई समाज में जितने संसाधन हैं उनका समान वितरण होगा। 39(3) के तहत जो होता है उसमें क्या होता है कि जो आय के साधन हैं उनका विकेंद्रीकरण होगा, मतलब केंद्रीकरण का निषेध करने की कोशिश करेगा। और जो 39(4) है उसके तहत क्या होगा, पुरुषों व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। सबसे बड़ी यह डिबेट है पूरे दुनिया में चल रही है, समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब स्त्रियों पुरुषों को बराबर वेतन मिले, वो 39(4) या 39(1) या डी भी कह सकते हैं, ठीक है, 39(d) भी कह सकते हैं या 4 कह दो, ठीक है, बात एक ही होती है, घा भी कह सकते हो। तो 39(5) के अंदर क्या क्या आता है, पुरुष व स्त्रियों और जो जितने श्रमिक होते हैं उनको या बच्चे हो गए उनको कि मतलब काम के लिए मजबूर, जोखिम भरे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और 39(6) है उसके अंतर्गत कि बच्चे जो हैं उनको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी कि वो गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, ठीक है। 39 का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, ठीक है, 39 का जब डायरेक्ट ऐसे लिखा रहे तो ये अलग आर्टिकल होगा, लेकिन जब ये ऐसे लिखा रहे ये ब्रैकेट में तो ये अलग आर्टिकल होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये गांधी जी का सपना ग्राम पंचायतों का संगठन, यहीं से निकल के आया है पंचायती राज हमारा, ठीक है, नगर पालिका और जो ग्राम प्रधान वगैरह यहीं से निकल के आए, इसी आर्टिकल को इम्प्लीमेंट किया गया है आगे चलकर। 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, बेरोजगारी भत्ता यहीं से निकल के आया है, ठीक है। 42 जितनी भी महिलाओं संबंधी जितनी भी प्रसूति सहायताएं होती हैं, ठीक है, जो उनको जननी सुरक्षा योजना योजनाएं निकलती हैं, वो आर्टिकल 42 से प्रेरित हैं, ठीक है। और 43 ऐसी मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से निकल के आया है आर्टिकल 43 के तहत। और 43 का जो है उद्योगों के प्रबंध में, मतलब जो है ना कर्मकार भी, मतलब जो कर्मचारी होते हैं वो उद्योगों के प्रबंध में भाग लें, वो इसके तहत आ गया। ये हाल ही में जोड़ा गया है, सहकारी समिति के गठन, नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 24 44 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। आपको ये बात पता है, आईएएस ने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा था इसको 43 का को सीधे सीधे, आप सोच लीजिए ये कितनी इंपॉर्टेंट रखते हैं डीपीएसपी, इसके आपको मौलिक अधिकार डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स रटे होने चाहिए, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आर्टिकल्स लेके आया हूँ, उसमें आपको खोल के समझा भी दे रहा हूँ मैं। 45 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, किसके? 0 से 6 वर्ष। पहले जब संविधान बना था तो इसकी परिभाषा अलग थी, 614 वाला थी, लेकिन उसको वो अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 21(1) के तहत, ठीक है। तो अब ये 0 से 6 वर्ष तक के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद 46 हो गया, SC ST और इनके लिए शिक्षा और संबंधी हितों की वृद्धि, ये भी यहीं से थोड़ी निकलती है आरक्षण की बात। 47 के तहत हो गया पोषाहार स्तर, इसके मद्रास जो बैन लगाने की बात की जाती है वो गांधी जी के इस आदर्श पर आधारित है, ठीक है, लोक स्वास्थ्य और पोषाहार स्तर, ये हो गया। कृषि और पशुपालन हो गया और पर्यावरण का संरक्षण 48 का के तहत हो गया। 49 के तहत जो स्मारक और संस्थान है उनका संरक्षण हो गया। और दो दो बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। और 51 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है निलंबित नहीं किए जा सकते, ठीक है, 12 से 35 के अंतर्गत है। और जो विधान सत्ता पर नियंत्रण लगाते हैं, जो विधि के समक्ष समता, मतलब विधि के समक्ष सभी समान है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे आम आदमी हो, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, तो ये तो हम देख ही चुके हैं कौन कौन से थे। और जो आरक्षण की बात मैंने आपसे कही थी वो 15(5) के तहत है SC ST OBC को, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप देख ही चुके हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीति में समान आधार पर और समान विधि में समान लागू होगी, ये दोनों स्पष्टीकरण सही है, ठीक है। ये 13 के तहत जो मैंने आपको बात बताई थी वो आप देख सकते हैं इसको। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, समान कार्य के लिए जो समान वेतन है उसके लिए जो समाजवादी बात की जाती है वो कहाँ से आता है, जब समाजवादी को शब्द को आप
आर्टिकल 14 के साथ और आर्टिकल 16 के साथ मिला के पढ़ेंगे ना, तो ये बात निकल के आती है। ये आपके स्तर से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन हाँ पूछा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। डीपीएसपी में जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, सोशलिस्ट और इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक की बात की जाती है, स्थापित की गई है, ठीक है। और ये मैं आपको डिस्कस पहले ही कर चुका हूँ। हाँ, ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। डीपीएसपी हो गया, आयरलैंड से आया डीपीएसपी। और हाँ, ये न्यायालय में इनके को लेके आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि राज हमारे साथ ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वाद योग नहीं होते, इनफोर्सिबल नहीं होते हैं। और ये बाकी चीज़ देख ही चुके हैं, आर्टिकल 40 के अंदर ग्राम पंचायत होती है, ऐसे सिद्धांत हैं। तो आज हमने देखा नागरिकता को, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वाला वीडियो। तो आज हमने देखे नागरिकता संबंधी वीडियो जो भी थे, और मौलिक अधिकार देखे, डीपीएसपी देखे, डिटेल में देखा, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके बाद मैं जल्दी ही दूसरे वीडियोज़ लेके आऊँगा, ताकि आपकी तैयारी जल्दी हो सके और आप अपने निश्चित सफलता रूप से प्राप्त कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।